टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। You're watching our weekly Jammu and Kashmir news bulletin with courtesy of ANI. I am Halima Sadia. Indian Army assists COVID vaccination drive in remote villages of J&K, Baramula. Local hail construction of primary health center in J&K's Anantnag. J&K's first wildlife research center at Dichingam National Park in final stages of completion. J&K people in far-flung villages benefited by center schemes. Beekeepers in far-flung J&K hope for boost in sales. Now the news in detail. Indian Army, in collaboration with civil administration and local healthcare authorities, organized vaccination camps as well as logistically supported the frontline healthcare to carry out vaccination drives to the villages close to the line of control. The medical vaccination with the help from the Indian Army traveled many kilometers to reach these border residents for the COVID-19 vaccination. Watch a special report. इंडियन आर्मी का जिन्होंने यहाँ पे आके इस दूर फार फ्लंग एरिया में वैक्सीनेशन का काम हर घर घर में शुरुआत की। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो नीचे नहीं जा सकते थे, रास्ता बहुत डेंजर है, और उस वजह से जो अपनी आर्मी ने यहाँ पे ला के हर घर में वैक्सीनेशन करवाया, इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का, आर्मी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, डॉक्टर साहबों का, जितने भी हैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इस एरिया में आके उन्होंने लोगों को बहुत बड़ा साथ दिया और इस वबा से निजात दिलाई। हम बड़े शुक्रगुजार हैं जनाब इसके, अपने आर्मी के, इंडियन आर्मी के, जो यहाँ आके हमारे लिए इतने डॉक्टरों का प्रबंध, वैक्सीन देते हैं यहाँ। यहाँ कौन देखता है इस जंगल एरिया में खुदा के बगैर, तो ये अपनी आर्मी जो है ये हमारा देखभाल यहाँ रखती है। In these remote rural parts of Kashmir, since they are devoid of communication and information dissemination means due to difficult connectivity and the harsh landscape of this area. In collaboration with the civil administration, local medical and healthcare authorities, Indian Army has been organizing vaccination camps, as well as it has been logistically supporting the frontline healthcare workers to carry out vaccination in these far-flung areas. The Indian Army stands strongly with the Awam of Kashmir during these challenging times and would put in every effort tirelessly to mitigate this COVID challenge.
Villagers of Rampura, village of district Anantnag in South Kashmir, lauded the construction of a new type of government primary health center, which is going on in full swing and will be completed within a few weeks. Construction comes in line with a spree of an initiative taken by the central government to boost the infrastructure of the Union Territory. रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है और ज़िले भर में ऐसी बहुत सारी जगह पे एनटीपीएससीज बन रही हैं। जैसे आपने कहा एनटीपीएससी रामपुरा, इस जगह ये मटन से ऊपर है, एक दूर दराज का इलाका है। एनटीपीएससी आने के बाद उस एरिया आसपास वाली कई पंचायतों को इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं वो और एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में उस जगह काम कर पाएंगी। लोगों को बुनियादी सहूलतें, कुछ रूटीन चेकअप्स उसी एरिया में करवाने को मिलेंगे। तो एक ओवरऑल जो हम एक्सेसिबल हेल्थ केयर की बात करते हैं, जो फार फ्लंग एरियाज में हेल्थ केयर पहुंचे उसकी बात करते हैं, उसमें ये एक बहुत बेहतरीन कदम होगा। ख़ास तौर पे ये एक जो एक पूरा टूरिस्ट सर्किट है उसके ऊपर वाले इलाके में भी आता है। हम काफ़ी शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के जिन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है। ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इससे हमें बहुत राहत मिली है। हमें यहाँ बहुत दिक्कत होती थी, खासकर सर्दियों में जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी तो फिर गाड़ी का सहूलियत हमें मैसर नहीं होता था। तो हम यहाँ पेशेंट होता था, कोई डिलीवरी केस होता था, कोई बीमार होता था, तो हम उसको मतलब जंगलात मंडी नहीं ले जा सकते थे। तो इसलिए हमें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। जो यहाँ पर बनाए हॉस्पिटल ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, मगर जितना इस पर पैसा खर्च किया गया वो भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि जिस सहूलियत के और जिस बका के लिए ये बनाया गया है वो हमें मिलनी चाहिए। इसमें जितनी सारी फैसिलिटी उन्होंने बताई है तो वो हमें आनी चाहिए, ख़ास तौर पर एम्बुलेंस, यहाँ वहाँ पर पैरा मेडिकल स्टाफ और या कोई डॉक्टर। The first wildlife research center of Jammu and Kashmir is on the final touch at the Chingam National Park, as it is one of the most renowned sanctuaries of Jammu and Kashmir. It has different species like Kashmir stag, leopards, Himalayan black bear and several birds. Wildlife authorities have converted 6-decade-old building into a research center. The building was owned by a sheep farmer. In this one-of-a-kind research center, the entire staff of the wildlife department will perform different kinds of research. The research center is going to start soon. Thank you.
सेंटर रहेगा, वाइल्ड लाइफ रिसर्च कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमारी रियासत में पहला एक सेंटर रहेगा। इसका मुद्दा और मकसद हमारे डिपार्टमेंट का पीछे ये बुनियादी मकसद ये बनाने का था कि जो भी हमारा फ्रंट लाइफ स्टाफ है, रिसर्चर्स हैं रिलेटेड विद द वाइल्ड लाइफ, उनके लिए एक ऐसा मखसूस सेंटर किया जाए जहाँ पे उनको ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग्स इम्पार्ट की जाए, रिसर्च कंडक्ट की जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ के हवाले से ये सेंटर का इनाकाद होना, यहाँ बनना। इस रिसर्च सेंटर का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि एक रेजिडेंशियल कैंपस रहेगा, रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट रहेगा, यहाँ पे उनको सीखने का बहुत मौका मिलेगा। यहाँ पे उनके लिए हर एक वसाइल रहेगा, ई रिसोर्स रहेगा रिलेटेड टू बुक्स, इंटरनेट फैसिलिटीज़, हर एक फैसिलिटी उनको मिली जाएगी। बहुत अच्छा कदम है, जो भी आएगा उधर ट्रेनिंग के लिए इसके लिए अच्छी जगह है, बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले यहाँ कोई ऐसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, तो अब ये बन गया तो सबके लिए बहुत अच्छा है। Many people living under the poverty line in Jammu and Kashmir are being benefited by central schemes, especially those living in the far-flung areas in the Rajouri district. Construction of houses under Pradhan Mantri Awas Yojana is in full swing in border villages. जितने हमारे PMAY के जितने भी मकान जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट होने जा रहे हैं और सब पे काम चल रहा है। लॉकडाउन के लगने का सबसे बड़ा हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए वो लोग अब वापस अपने घरों में आए हैं और अपने घरों में रह के वो अपना मकान बना रहे हैं और अपना मकान भी कम्प्लीट हमारे हो जाएंगे। इसकी तफसील यह है कि हमारे टोटल जो हाउस होल्ड हैं यहाँ पे एज़ पर सेंसिस 2011 से सेंसिस जो है वो है 2209 और हमारे 468 जो है वो मकान कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी जो है वो ऑनगोइंग है। शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि जिन्होंने यहाँ एक बिछड़े इलाके में एक यहाँ रोडें बिछाई क्योंकि यहाँ तो एक पशु को चलने में भी दिक्कत आती है लेकिन आज वो गाड़ियाँ चल रही हैं, ये हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे लेकिन आज आँखों के सामने देख रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लोगों के लिए कोई साधन नहीं था, जहाँ से लोग पैदल रजौरी सुंदरबनी निशारा जहाँ भी जाना होता था जहाँ से पैदल ही लोग जाते थे, दो दो दिन लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन अब ये दो तीन साल से हमारे ये PMGSY के तहत ये रोड हमारा सेंक्शन हुआ था तो उसके तहत ये हमारा काम चल रहा है जिसका हमने ये कल हमने BT शुरू किया है।
Beekeeping is one of the main sources of income for the villagers in the hill areas of Rajouri district in Jammu and Kashmir. Many farmers in the district are facing a challenge to sell honey in the market. Villagers have been asking for the assistance of the government and demanding an increase in the market for selling honey. Around 200 farmers in the village have 2,000 man-made hive boxes. डिपार्टमेंट ने लोगों को ट्रेन करने के लिए एक ना डिमॉन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर रखे हुए हैं। ये तीन सेंटर हैं, इनके नाम एक बुदल का सेंटर है, एक दराल का सेंटर है और एक थाना मंडी का सेंटर है। इन तीनों में हमने कम से कम 136 जो है ना बी हाइव्स तीन जगह पर अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं लोगों को ट्रेन करने के लिए, लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे कैसे जो ये मक्खी पालन किया जाता है। हमने यहाँ आज विजिट किया है कि खासकर ये जो किसानों ने मधुमक्खी पालन रखा हुआ है यहाँ, हमने वो घर घर जाके उनको विज़िट किया है, विज़िट किया और हम लोगों ने ये देखा है कि ये यहाँ का शहद जो है बहुत अच्छा शहद है, क्योंकि ये एक जंगली एरिया है, ख़ासकर यहाँ के जो जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं उससे ये शहद मधुमक्खियाँ जो ये तैयार करती हैं, इसलिए यहाँ का शहद जो है बहुत फेमस है। Thank you for watching today's special Jammu and Kashmir News Bulletin with Halima Sadia. TAG TV Canada America ki janib se Kashmir News and Views Bulletin.